नाम है, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी मेरी फैमिली के प्रिय लोगों का, प्रिय मेंबरों का, फैमिली के जितने सदस्य सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही दिव्य प्रयोग लेकर के आया हूँ, बहुत ही बढ़िया प्रयोग, जितने भी मेरी फैमिली के मेंबर मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको कह देना चाहता हूँ कि आज का जो प्रयोग है, देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो इतना आकर्षक दिखे, इतना आकर्षण हो उसके अंदर, इतना आकर्षण हो कि जहां भी वो जाए उसको देखकर ही लोग वशीभूत हो जाए, उसके वश में हो जाए, उसको ही देखते रहें। हर व्यक्ति आप देखते हैं कितना मेकअप करता है, कितना सस्ता है, कितना सवरता है, और महिलाएं तो देखिए कितना मेकअप करती हैं, खूब मेकअप। पुरुष भी आजकल खूब मेकअप करने लगे, क्यों? कि हम अच्छे दिखें, सुंदर दिखें, आकर्षक दिखें, लोगों में देखें, और देखें तो देखते ही रह जाएं, देखते ही चले जाएं, माने घूम घूम करके देखें, मुड़ मुड़ करके देखें, कहीं भी हम जाएं तो सब लोगों की निगाहें आकर के हमारे शरीर पर ही टिक जाएं, हमारे चेहरे पर ही टिक जाएं। सभी लोग यही चाहते हैं, इतना आकर्षक हमारे चेहरे पर हो। वो आएगा कैसे? हम चाहते हैं कि बहुत से लोगों को हम वशीकरण भी करना चाहते, कहीं भी जाए वो हमारे वशीभूत हो जाए। बहुत से लड़के हैं जिनकी प्रेमिकाएं होंगी, पर वो प्रेमिका भैया प्यार का इजहार करना चाहते हैं पर प्रेमिका नहीं मान रही है, वो चाहते हैं कि इतना आकर्षण हमारे अंदर बढ़ जाए कि प्रेमिका मान जाए। बहुत सी प्रेमिकाएं भी होंगी, तो अब जिससे प्यार करते हैं, आज मैं जो उपाय बताना जा रहा हूँ आकर्षण का, तो सबके लिए, पति पत्नी से आप एम्प्लॉय हैं, बॉस के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, बॉस आपके वश में हो जाए, बॉस आपकी बात माने, तो आज मैं ऐसी चीज को बताने जा रहा हूँ कि इसको धारण करने के बाद आप जिसको चाहेंगे वो आपके वश में एक तरीके से हो जाएगा, आपको देखते ही वशीभूत हो जाएगा, आपके इतना आकर्षण बढ़ जाएगा आपके अंदर कि आप जिसको चाहेंगे वो आपके वश में आ जाएगा, और जहां आप जाएंगे लोग आपको देखेंगे, इतना आकर्षण बढ़ जाएगा। उपाय बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन ऑल प्रेस करिए, सबसे ऊपर वाला बेल आइकन प्रेस किया करिए, जिससे जैसे ही वीडियो पड़े आपका नोटिफिकेशन आ जाए। आज मैं आपको ऐसी माला के बारे में बताने जा रहा हूं, इस माला को धारण करने के बाद, इस माला को पहनने के बाद आपके शरीर में, आपके चेहरे में, आपकी वाणी में सब जगह इतना आकर्षण बढ़ जाएगा कि आप जिसे चाहेंगे उसे पा लेंगे। देखिये वो माला किस चीज की है मैं आपको बता दूं, वो माला है गुंजा की माला। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ये देखिए, ये है गुंजा की माला, ये गुंचू के जो बीज होते हैं उनकी गुंजा की माला होती है, ये देखिए, ये बहुत ही तांत्रिक मालाएं होती हैं, और कहा गया तंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, वशीकरण के लिए, आकर्षण के लिए इसका दिव्य प्रयोग किया जाता है। ये माला प्राण प्रतिष्ठित है, अभिमंत्रित है, और सिद्ध करके ही दी जाती है। आप इस माला को, बहुत ही दिव्य माला है, आप इस माला को धारण कर लीजिए, और जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं उसके सामने इस माला को पहन करके आप जाइए, या फिर जिसको आप बिल्कुल ही वश में करना चाहते हैं इस माला को आप पहन करके जाइए और अपनी माला उसके गले में पहना दीजिए, तो बिल्कुल ही वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसा कर लीजिए तो बहुत उत्तम रहेगा। ये माला प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध की हुई माला है, बहुत ही दिव्य माला है, और इसका मैंने हजारों प्रयोग देखा है, हजारों बार मैंने प्रयोग देखता है, बहुत सी लोगों को मैंने ये माला दी है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, व्यापार के लिए भी बहुत काम आती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने व्यापार स्थल में इस माला को धारण करके रखते हैं, तो जो भी ग्राहक उनके उससे सामान लेके नहीं आते तो उनसे आकर्षित हो जाते हैं, तो बार बार आते हैं। धन वृद्धि के लिए भी इस माला को पहना जाता है, कर्ज से निपटारे के लिए भी इस माला को पहनाया जाता है, इस माला का बहुत ही दिव्य प्रयोग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इस माला को धारण किया जाता है। ये माला आपको हमारे यहाँ से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करी हुई प्राप्त हो जाएगी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज करके भी आप इस माला को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित इस माला को पहनिए। और यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्या आ रही है, और भी कोई दिक्कतें आ रही, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप मुझे कॉल करिए निसंकोच, मुझे मैसेज करिए, क्योंकि मैं बार बार बताया है कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है, और मैं नहीं चाहता कि आपका इतना अच्छा फैमिली के सदस्य होते हुए मैं आपके जीवन में कोई भी दुख को आने दूं, इसलिए संकोच आप मुझे बताइए। और अपनी एक बार जीवन में कुंडली जरूर दिखवाइए, कुंडली जरूर एनालाइज करवानी चाहिए कि दुख आ कहां से रहे, ये भी पता होना चाहिए। फिर शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, राधे राधे।